अच्छा खेला है, ईशान किशन बिहारी है, बहुत अच्छा खेला है। इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। भारत कहे तो भारत को नहीं जिताना चाहेंगे? लास्ट टाइम T20 हुआ तो उस टाइम भी आया था, इंडिया जीता था और आज भी इंडिया जीतेगा। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी मैं मौजूद हूँ JSCS स्टेडियम में, यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, जहाँ पर देखिए इंडिया जीत चुका है। यहाँ पे खुशी, दर्शकों के चेहरे पर खुशी देखकर आप जान सकते हैं कि इंडिया जीत चुका है। दर्शकों से हम बात करेंगे और जानेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शेरे सैयर को इधर भी हम बात करेंगे। बहुत मजा आ रहा है भैया, देख करके इंडिया जीता तो बहुत खुशी हो रहा है। जो सुरेश अय्यर ने कमाल दिखाया, मैन ऑफ द मैच आप उनको मानते? सुरेश अय्यर, हाँ सुरेश अय्यर को मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच। ईशान किशन कैसे? नहीं नहीं, सुरेश अय्यर किशन का कैसा लगा आपको? ईशान किशन बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और लंबा लंबा कदम, छोटा छोटा कदमों से लंबा छक्का मारते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुशी का माहौल है और यहाँ पे और लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैच देखकर। इंडिया जीत चुका है, इंडिया जीत गया है। शेयर शेयर का उसका श्रेय है। इसको मैन ऑफ द मैच आप बोलना चाहिएगा अपने तरफ से? शेयर शेयर को। ईशान किशन का कैसा लगा आपका? अच्छा लगा, उनका भी अच्छा लगा। हम कहना ही चाहते हैं कि मैच देखने में बहुत मजा आया। अभी श्रेयस अय्यर को मेरा मिलना चाहिए और खेल इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अभी इसके बाद तीसरा जो होगा वनडे, उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। चश्मा लगा कर बिहार से क्रिकेट ही देखने आए थे यार। गया जिला से मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने सेंचुरी मारा है। ऐसे ईशान किशन को क्या बोलिएगा, हम लोग का बिहार से हैं वो। हाँ वो भी बहुत ही अच्छा खेले ईशान किशन, वो हमारे बिहार से ही है। और अभी और हमारे साथ लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया अभी जीत चुका है और लोगों के बीच में कितना खुशी का माहौल है। और हमारे साथ देखिए और एक लोग मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पे ईशान किशन को खेलते हुए देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है और वो बहुत ही अच्छा खेले। और मैच किसको आप बोलिए? मैन ऑफ द मैच हम लोग ये जन तक श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा किशन कैसा खेले? ईशान किशन बहुत ही अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। देखो पहले इधर आने को, इधर आने। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। भारत माता की। ये मैच अभी भी 1-1 से इंडिया बराबरी पे है और अगला मैच दिल्ली में होने वाली है। अब यहाँ पे जिस तरह से श्रेयस आज का पारी बहुत ही शानदार और दमदार रही और खास करके श्रेयस अय्यर की शॉट जो लास्ट में मैच जिताया, बहुत ही अच्छा दृश्य था हम लोग के देखने के लिए। और श्रेयस अय्यर ने अपने समझदारी के कारण इस टीम इंडिया को लास्ट तक रहकर और बिना विकेट खोए हुए अपना क्रीज पे चले गए। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार गया से आया हूँ। गया से आप कहाँ से आए? पटना से आया हूँ। बताइए क्या कुछ कहिएगा आज का मैच? शानदार और जानदार रहा, इंडिया बहुत ही अच्छी खेली और साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराया, 45-46 ओवर में विन कर गया इंडिया टीम। आज का मैच पैसा पसंद मैच था, मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप तो वही हैं ना जो टिकट लेने आए थे? जी हाँ, हम वही हैं। उस जैसा कि हम बोले थे कि ईशान किशन मारेगा हर शतक, इस बार ईशान किशन हर शतक मारा है, बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को देख के। ठीक है, तो और आज का मैन ऑफ द मैच आप किसको बोलिए? श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर 100 सेंचुरी मारा है, बहुत अच्छा खेला है, उसी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच आज का। ईशान किशन कैसे खेले? बहुत अच्छा खेला है ईशान किशन, बिहारी है, बहुत अच्छा खेला है। बिहार शतक का उम्मीद था उनसे। हाँ ईशान किशन से, लेकिन बहुत अच्छा खेला ईशान किशन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए दूसरे वनडे में मैच विनिंग शतक लगाने के बाद भारत के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपनी बैटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। अय्यर की नाबाद 113 रनों की पारी की बदौलत दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने मेहमान दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 7 विकेट पर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 46वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। भारत की इस जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। श्रेयस अय्यर ने 111 गेंदों में 15 चौकों की मदद से नाबाद 113 रन बनाए।
वहीं ईशान किशन ने सिर्फ 84 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपने होम ग्राउंड पर ईशान ने 4 चौके और 7 छक्के जड़े। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं काफी उत्साहित हूं। जब मैं बैटिंग के लिए गया तो ईशान किशन से बात की। वह गेंदबाजों पर धावा बोलने के मूड में था। पहले हमने गेंद की योग्यता के आधार पर खेलने का फैसला किया और देखा कि यह कैसे काम करता है। बता दें कि रांची में टीम इंडिया की जीत के बाद 3 मैचों की यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब दोनों टीमों के बीच 11 अक्टूबर को सीरीज का निर्णायक मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली में दोनों ही टीमें सीरीज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगी। बहुत अच्छा सर, भारत कहें तो भारत को नहीं जिताना चाहेंगे। धवन, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग लातेहार से आए हैं देखने और चाहते हैं कि इससे पहले मैच भारत हार चुका है मगर इस मैच को जीत के बराबरी करे। हाँ हाँ, हमेशा जितना बार यहाँ मैच हुआ उतना बार आकर के देखे हैं। है तो गोल्ड और शौक है तो मान लीजिए है तो क्यों नहीं पहने, तो लाना पड़ेगा सोनार को इसके लिए ना। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आए तो रांची से हैं, कोकर से आए हुए हैं। जितना बार मैच हुआ आ चुके हैं, लास्ट टाइम T20 हुआ तो उस टाइम भी आया था, इंडिया जीता था और आज भी इंडिया जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। आज तो ईशान किशन को देखने आए, लोकल प्लेयर को चेयर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका टी शर्ट पहन के जाओ तो दिल में है धोनी सर, सबसे बड़े फैन हैं। मैं भी रांची से हूँ, नामकुम से। ईशान किशन हमारे लोकल प्लेयर, हर एक मैच को देखे है, कोई मैच मिस नहीं किया और ना मिस करेंगे कभी। जी हर एक मैच को देखता हूँ। 50-50% चल रहा है, आशा करता हूँ कि इंडिया जीतेगा, लेकिन इन लोग का मैच बहुत ही अच्छा हो रहा है। हम लोग को तो लग रहा है कि परसेंटेज जितना अच्छा है उसके हिसाब से 300 रन के आसपास तो हो ही आएगा निश्चित तौर पर, प्लस भी हो सकता है। अभी तक 237 हो गया है। अभी तक 235 हो गया 41 ओवर में, ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और आगे भी अभी मात्र 5 खिलाड़ी आउट हुआ है, आशा करता हूँ कि और भी मैंने अच्छा खेलेगा और 6% के हिसाब से चलेगा, 6 स्कोर के हिसाब से। और इसी कारण से आशा करता हूँ, फिर भी आशा करता हूँ कि इंडिया टीम आगे जीतेगा। सर परिचय दे। मैं सरस्वती विद्या मंदिर लातेहार में इंग्लिश टीचर हूँ और आज रविवार मनाने आया और इंडिया सामने आया, इसलिए खेलने देखने आया। मेरा सौभाग्य है कि आज बहुत मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में खेल बहुत अच्छा दोनों तरफ में होना चाहिए और किसी प्रकार का विडम्बना नहीं है। वर्षा आज साथ दे रहा है, वर्षा नहीं हो रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।